अभी अभी एक ज्वलंत मुद्दा है यहाँ पर, किसी प्लांट को लेकर के विरोध हो रहा है, तो प्लांट के विरोध करने के पीछे मतलब बीजेपी की थीम क्या है? देखिए, एक तो हम लोग के जो नेता थे स्वर्गीय दिलीप सिंह दुदेव जी, वो कहते थे कि हम भले गरीबी में गुजार लेंगे लेकिन पर्यावरण की दृष्टि से हम जसपुर को बर्बाद नहीं होने देंगे, क्योंकि आज पड़ोसी जिलों का हम लोग हालचाल देख रहे हैं। जो लोग जमीन से विस्थापित होते हैं वो आखिरी में मजदूर होके भी नहीं रह पाते हैं, और प्रदूषण झेलते हैं, क्राइम जो बढ़ता है उस क्षेत्र में, ये सब बात अलग है। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने क्षेत्र की सांसद श्रीमती गोमती साई के नेतृत्व में एक कमेटी बनाई थी, और वो कमेटी वहाँ पर जो टांगर गांव है जहाँ पर प्रस्तावित स्टील प्लांट लगना है, उसके सराउंडिंग जो भी गांव हैं वहाँ पर करीब 3-4 हज़ार लोगों से अलग अलग समूह में उनने बात की, उनसे राय मशवरा उन्होंने किया, पूरी कमेटी ने की, लेकिन एक भी आदमी वहाँ पर स्टील प्लांट लगाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उनको सब मालूम है कि पड़ोसी जिलों में क्या हो रहा है। एक तो वो जो प्लांट लगना है, जो प्रस्तावित एरिया है, पूरे आबादी के बीच में है, एक तरफ हथगढ़ा है, एक तरफ टांगर गांव है और एक तरफ नदी है, और बीच में वो प्लांट प्रस्तावित है, तो पूरा गांव प्रदूषित होगा, वहां का जो पानी निकासी होगा वहां से वहां की ज़मीन बंजर हो जाएगी, और एक तो गांव से होकर रोड जाएगा, तो इस तरह से सारी समस्याएँ गांव वालों को होंगी, और इसलिए कोई गांव वाला नहीं चाहता कि सही जी। लेकिन यहाँ का इतना अच्छा पर्यावरण है, इतना अच्छा इन्वायरमेंट है, इतनी मतलब इतना अच्छा भौगोलिक स्थिति है, उसके बावजूद इतने सालों में डेवलप नहीं हो पाया जसपुर, पर्यावरण के लेकर डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं हुआ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए कोई काम नहीं हुआ, आपकी सरकार क्या कर रही थी 15 सालों से? देखिए, हमारी सरकार में जसपुर में बहुत डेवलपमेंट हुआ है। एक तो जो नेशनल हाईवे जो बन नहीं पाया 43 है जी, इसके लिए जब हम पिछले बार केंद्र में मंत्री थे और हमने कवर्धा में उस समय जो नितिन गडकरी थे सरफेस मिनिस्टर, उनसे घोषणा करवाया था, और मेरा सौभाग्य भी है क्षेत्र की जनता के आशीर्वाद से कि अंबिकापुर से लेकर संघ बॉर्डर तक 1600 करोड़ की घोषणा उस दिन हुई थी, और आज वो काम चल रहा है। ठीक है, काम थोड़ी धीमी गति से है लेकिन अब काम पकड़ा है, वो मतलब एक बड़ा इस क्षेत्र के लिए वो वरदान है कि हम लोग को मतलब एक बड़ा नेशनल हाईवे यहाँ पर मिलेगा, और भी यहाँ पर एग्रीकल्चर कॉलेज कुनकुनी में, फिर आपका जो कृषि विज्ञान केंद्र है पत्थलगांव में डूमर बाहर में, वो भी हम लोगों की देन है, इसके अलावा और कई काम हैं। नहीं लेकिन लेकिन हम अगर पर्यावरण की बात करते हैं सर जी, तो यहाँ पर्यटन उद्योग को डेवलप क्यों नहीं किया गया? पर्यटन उद्योग डेवलप, एग्रीकल्चर भी डेवलप नहीं है यहाँ का, भी हुआ है और आगे भी करते, और बहुत स्कोप है जसपुर में पर्यावरण मतलब पर्यटन को लेके, और निश्चित रूप से उसका प्रयास था हम लोग के तरफ से, और हम लोग चाहते हैं कि यहाँ पर पर्यटन का ही विकास हो। कांग्रेस की ओर से कहा जाता है कि न तो यहाँ अच्छा स्कूल है, न यहाँ अच्छा अस्पताल है, न अच्छी सड़क है, तो इस पर क्या कहेंगे आप? कांग्रेस, जो कांग्रेस आज़ादी के 75 साल में 55